अस्सलाम वालेकुम बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग? होप सो आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह एज़ यूजुअल मैं भी ठीक हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत सिंपल सा भी है, बहुत मज़े का भी है, बहुत कम्प्लेक्स भी है, सारी चीज़ें हैं। क्या है? पहले इससे हमने जो डिस्कशन की वो केमिकल बॉन्डिंग की कि केमिकल बॉन्ड होता है, उसमें आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट या कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड डिस्कस किया। अब हमने डिस्कस करना है कि जो केमिकल बॉन्डिंग की थ्योरीज हैं, जो कि मॉलिक्यूल की शेप को एक्सप्लेन करती हैं, बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करती हैं, या मतलब किसी और जो प्रॉपर्टीज़ हैं मॉलिक्यूलर उनको डिस्कस करते हैं उनमें, तो वो डिस्कस करने चले हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। सबसे पहले पर्पज़ का पता हो कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी का पर्पज़ क्या है। इसका पर्पज़ होगा टू एक्सप्लेन द शेप ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल की शेप को एक्सप्लेन करना है, शेप क्या होगी, कौन सी शेप, क्या बला होती है, इसके बारे में हमने डिस्कशन करनी है। मॉलिक्यूल के बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अब एक चीज याद रखिएगा, अब तक जो हम डिस्कशन करते आए हैं वो थी हमारी एटॉमिक लेवल पर। एटम्स मिलते हैं, जुड़कर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। अब जो हमारा जो टॉपिक है या अब यहां पर जो हम डिस्कशन करेंगे वो मॉलिक्यूलर स्पीशी की करेंगे, एज ए होल मॉलिक्यूल डिस्कस करेंगे। ओके, हो गया। पर्पस याद रखिएगा, मैं कनेक्शन ले आऊंगा। अब वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, नाम में सारा कुछ छुपा हुआ होता है। वैलेंस शेल क्या होता है जी? वैलेंस शेल किसी भी एटम का आउटर मोस्ट शेल होता है, आउटर मोस्ट शेल होता है। अब इलेक्ट्रॉन पेयर से मुराद दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उसको हम इलेक्ट्रॉन पेयर का नाम देंगे। रिपल्शन, ये जो रिपल्शन होगी किसके दरमियान होगी ये भी हमने डिस्कशन करनी है। अब यहां पर इलेक्ट्रॉन पेयर से मैं ले आऊं कि जो दो इलेक्ट्रॉन होंगे ये लोन पेयर भी हो सकता है और ये बॉन्ड पेयर भी हो सकता है। हमने बात करनी है, अब ये जो लोन पेयर है ये क्या होता है, ये कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं, बॉन्ड पेयर में कौन से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये दो डिफरेंट चीजें हैं। देखिएगा, हमारे पास बिल्कुल सिंपल सिंपल बातें होंगी कि किसी भी एलिमेंट है हमारे पास, जैसे कि मैं एग्जांपल कोट करता हूं कि नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1s2, 2s2, 2px1, 2PY1 और 2PZ1। अब ये जो बातें करेंगे, वैलेंस शेल, ये सेकेंड वैलेंस शेल है, उसमें 2s और ये p के ऑर्बिटल्स होंगे। अब वैलेंस शेल में जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनको लोन पेयर्स का नाम देते हैं और जो वैलेंस शेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनको नेम देंगे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स का। ये जी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओके, अब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स
क्या करेंगे, एक एटम के बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हैं। अब इसमें कैसे मैं बात करूंगा, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन अपना वो बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन से। अब यहाँ पर मैं देखें एक और बना देता हूँ कि इसने ऑक्सीजन से बॉन्ड बना लिया। अब देखिएगा मेरी बात, ऑक्सीजन के केस में ये दो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो होंगे, ये जो दो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं ऑक्सीजन के ये वाले, तो ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से मिलकर इन्होंने क्या बनाया, बॉन्ड। बॉन्ड में कोवेलेंट बॉन्ड में, कोवेलेंट बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये जो कोवेलेंट बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनको कहेंगे हम बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो वाटर के केस में कितने बॉन्ड पेयर्स हैं, दो, एक ये वाला और एक ये वाला, दो बॉन्ड्स हैं। अब ऑक्सीजन पर दो लोन पेयर भी होंगे क्योंकि वैलेंस शेल में इसके दो लोन पेयर्स होते हैं। तो अब दो चीज़ें क्लियर कर लें कि इलेक्ट्रॉन पेयर्स लोन पेयर भी हो सकता है, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है। लोन पेयर क्या होता है, किसी भी एटम के वैलेंस शेल में जो पेयर्ड होते हैं वो लोन पेयर हैं और जो अनपेयर्ड हैं वो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हैं। किसी भी एटम के जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने वो बॉन्ड बनाता है। नाइट्रोजन में तीन अगर बॉन्ड इलेक्ट्रॉन हैं तो नाइट्रोजन तीन बॉन्ड बनाएगा, तो वो तीन बॉन्ड जब बनाएगा तो वो बनाएंगे बॉन्ड्स। एक बॉन्ड में क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इस इलेक्ट्रॉन के पेयर को, बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन पेयर को बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये तो हो गई इलेक्ट्रॉन्स की। अब देखिएगा यहां सारा कॉन्सेप्ट मैंने यहां पर शो कर दिया हुआ है, मैं सारा कॉन्सेप्ट यहां कोरिलेट कर रहा हूं। होता क्या है, मैंने कहा कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी क्या एक्सप्लेन करती है, शेप ऑफ मॉलिक्यूल। अब ये शेप ऑफ मॉलिक्यूल कैसे एक्सप्लेन करती है, नाम बता रहा है कि वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं उनमें लोन पेयर और बॉन्ड पेयर अवेलेबल है, तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के दरमियान रिपल्शन होती है। इस रिपल्शन की वजह से जो एटम्स होते हैं, एटम्स एक दूसरे को मैक्सिमम डिस्टेंस पर अरेंज कर लेते हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल शेप ऑफ मॉलिक्यूल बनती है। सारा कनेक्शन आपको कोरिलेट करना होगा, सारी चीजें आपके लिए यहां पता होंगी। वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं उनमें लोन पेयर और बॉन्ड पेयर होगा, ये रिपेल करेंगे एक दूसरे को, तो ये क्या करेंगे, रिपल्शन की वजह से शेप ऑफ मॉलिक्यूल बनेगी। ओके हो गया, रिपल्शन, रिपल्शन के लिए रिपल्शन ऑर्डर में यहां मेंशन कर रहा हूं। आपके हमारे पास जो अवेलेबल हैं, एक लोन पेयर अवेलेबल है और एक बॉन्ड पेयर, हो सकता है कि दोनों बॉन्ड्स हो या सारे बॉन्ड्स हो, हो सकता है कि लोन पेयर हो सकता है लोन पेयर ना हो। ओके, अब पॉसिबिलिटी होती है कि लोन पेयर से रिपल्शन शुरू कर दे, पॉसिबिलिटी है कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर को रिपेल करे, इनके बिटवीन रिपल्शन हो, या पॉसिबिलिटी है बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के दरमियान रिपल्शन हो। ये तीन तरह की रिपल्शन पॉसिबल होगी इसके अंदर। अब इनमें सबसे ज़्यादा जो होगी वो लोन पेयर की रिपल्शन होगी, उससे कम जो है वो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की रिपल्शन होगी, और सबसे कम जो रिपल्शन होगी इन तीनों केसेस में वो बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर की होगी। तो मेरा सवाल ये है
कि ये क्यों ऐसा होगा, लोन पेयर की रिपल्शन क्यों ज्यादा होगी, लोन पेयर बॉन्ड पेयर की उससे कम और बॉन्ड पेयर सबसे कम क्यों होगी। सुन लें बात, यहां पर यहां एग्जांपल अवेलेबल है आपके लिए। यहां पर देखें, जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं, बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन को दोनों न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, तो बॉन्ड पर क्योंकि अट्रैक्शन दो न्यूक्लियस की ज्यादा होती है, इसलिए ये रिपेल या जो रिपल्शन का इफेक्ट है ये कम होता है। लोन पेयर का जो रिपल्सिव इफेक्ट होगा वो ज्यादा होगा, क्योंकि इसको लोन पेयर को एक एटम का न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा है, ये अट्रैक्शन कम है तो ये ज्यादा फैला हुआ होता है, मोर एक्सपोज्ड होता है, ये ज्यादा रिपल्शन क्रिएट करता है। ओके जी, पोस्टुलेट्स क्या हैं? ये जो पोस्टुलेट्स की मैं बात कर रहा हूं, याद रखिएगा मॉलिक्यूल, मैं आपको बता चुका हूं कि जब मॉलिक्यूल पे आएंगे तो दो तरह के एटम्स होंगे, एक होगा सेंट्रल एटम जिसको मैं C.A से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, सेंट्रल एटम है, दूसरा होगा इसके साथ अटैच्ड एटम। तो सेंट्रल एटम भी होगा, अटैच्ड एटम्स भी होंगे। सुन ले मेरी बात बड़ी गौर से, सेंट्रल एटम के लिए कंडीशन मैं बता रहा हूं, सेंट्रल एटम शुड बी पॉलीवेलेंट। पॉलीवेलेंट को क्या मैं नाम दूंगा, सिंपली आप ये कह सकते हैं जो मोर देन वन बॉन्ड बनाए। मतलब ये होगा कि पॉलीवेलेंट एटम में एक से ज्यादा बॉन्ड्स बनेंगे। ओके, और वो कौन बॉन्ड बनाएंगे, अटैच्ड एटम्स। अब पॉलीवेलेंट एटम है, एक से ज्यादा बॉन्ड्स होंगे, मैक्सिमम तो जुड़ सकते हैं, अगर मैं बात करूं एक से ज्यादा मिनिमम कितने होंगे, दो। तो होगा क्या, जब सेंट्रल एटम पॉलीवेलेंट है, एक से ज्यादा बॉन्ड बना रहा है, तो जो अटैच्ड एटम्स हैं अरेंज करेंगे अपने आप को, अरेंज होंगे या अरेंजमेंट ऑफ अटैच्ड एटम्स, ये जो अटैच्ड एटम्स की अरेंजमेंट है कहां होती है, अराउंड सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम के अराउंड जो अरेंजमेंट होती है वो क्या होनी चाहिए, शुड बी एट मैक्सिमम डिस्टेंस, मैक्सिमम डिस्टेंस पर क्यों होने चाहिए, मैक्सिमम डिस्टेंस पर इसलिए होने चाहिए ताकि मिनिमाइज कर सकें, टू मिनिमाइज रिपल्शन, रिपल्शन को मिनिमाइज करना है, टू मिनिमाइज रिपल्शन। रिपल्शन को क्यों मिनिमाइज करना है, आपको मैं बता चुका हूं, जहां पर रिपल्शन होती है, रिपल्शन की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो ज्यादा हो जाती है। अगर रिपल्शन ज्यादा होगी तो एनर्जी ज्यादा होगी, मैं ये बता चुका हूं, जहां एनर्जी ज्यादा होती है उस सिस्टम की स्टेबिलिटी कम हो जाती है, तो वो लेस स्टेबल हो जाता है, तो स्टेबिलिटी जो होगी उसकी कम होगी।
तो याद रखिएगा, रिपल्शन मिनिमाइज करनी है ताकि एनर्जी कम से कम हो, स्टेबिलिटी ज्यादा हो। अब उसको कैसे रिपल्शन मिनिमाइज हो सकेगी, ताकि जो अटैच डेटम है वो एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर होंगे। अगर वो मैक्सिमम डिस्टेंस पर होंगे रिपल्शन कम और ये सारी बातें होंगी। रिपल्शन का ऑर्डर भी डिस्कस कर लिया। यहां पर एक और बात है मल्टीपल बॉन्ड्स के हवाले से। जो मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं, मल्टीपल बॉन्ड्स डबल हो सकता है, मल्टीपल बॉन्ड्स ट्रिपल हो सकता है। अब यहां मैंने कार्बन कार्बन डबल या ट्रिपल बॉन्ड मेंशन किया, जरूरी नहीं कि मल्टीपल बॉन्ड में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ रहा है या कार्बन कार्बन ट्रिपल, नहीं, हर टाइप का डबल आएगा, हर टाइप का उसके अंदर ट्रिपल आएगा। वो तो क्या होगा, हम कहते हैं कि जो मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं, शेप मेंशन या डिटरमिन करने के लिए बिहेव एज सिंगल बॉन्ड, कि ये सिंगल बॉन्ड की तरह बिहेव करते हैं। ओके जी, अब शेप पर एक सवाल आ गया नेक्स्ट हमारा, कि शेप पे क्या मसाइल आते हैं। ज्योमेट्री की मैं बात कर रहा हूं। जब हम बात करते हैं ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल की, तो मॉलिक्यूलर जो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री दो तरह से डिवाइड करते हैं। एक जो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री आएगी, एक को हम कहते हैं जी इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री। इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री, और जो दूसरी होती है ये होती है जी मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री। इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री। इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री के लिए हम सिंपली ज्योमेट्री का वर्ड यूज कर लेते हैं कन्वेंशनली, और मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री के लिए सिंपली हम शेप का वर्ड यूज कर लेते हैं। तो जहां शेप का लफ्ज यूज हो, जहां स्ट्रक्चर का वर्ड यूज हो, वहां पर हम ओवरऑल शेप को एक्सप्लेन करेंगे, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री को एक्सप्लेन करेंगे। जब वो लफ्ज ज्योमेट्री यूज करेंगे या इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री यूज करेंगे, तो वहां पर क्या करेंगे, हम ज्योमेट्री या इलेक्ट्रॉनिक की बात करेंगे। अब ये दोनों में डिफरेंस क्या है, जो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री होती है, याद रखिएगा, इट इज ड्यू टू लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। ये लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों की वजह से होगी। गिफ्ट है आप लोगों के लिए, मजे करो। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों की वजह से जो होगी वो आपकी इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री को एक्सप्लेन करेगी, जो सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर की वजह से होगी, जो सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर की वजह से होगी वो मॉलिक्यूलर या शेप होगी। यहां मैं एक एग्जांपल एक्सप्लेन करता हूं। हमारे पास है वाटर, वाटर की एग्जांपल है ये, देखें वाटर में दो लोन पेयर्स भी हैं और दो बॉन्ड पेयर्स भी हैं। अब यहां पर मैंने कहा, अगर मैं बात करूं वाटर की ज्योमेट्री की, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री की, तो वाटर में देखें दो लोन पेयर और दो बॉन्ड पेयर्स, दोनों को हमने मेंशन करना है। तो क्या ज्योमेट्री आपको नजर आ रही है, टेट्राहेड्रल। तो ज्योमेट्री जो है इसकी टेट्राहेड्रल है। अब यहां पर देखें, शेप एक्सप्लेन करनी है तो व्हाइट बोर्ड पे बड़ी क्लियर बात करने लगा हूं। तो यहां लोन पेयर को हम क्या कर देंगे, इग्नोर। शेप एक्सप्लेन करने में हमने बॉन्ड्स को एक्सप्लेन नहीं करना, सॉरी लोन पेयर को ऐड नहीं करना। अब लोन पेयर को मैंने उड़ा दिया, अब देखें क्या बचे, सिर्फ बॉन्ड बचे। तो अब क्या शेप नजर आ रही है आपको, इस तरह। ये क्या शेप होती है जी, बेंट शेप। तो याद रखिएगा, वाटर की जो शेप होती है, शेप होती है बेंट। क्यों बेंट होती है या कैसे, ये क्योंकि डिपेंड करती है ओनली बॉन्ड पेयर्स पर, लेकिन जो ज्योमेट्री है वो लोन पेयर बॉन्ड पेयर दोनों की वजह से है, इसीलिए हम इसको कहेंगे वाटर की ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है। तो ये है आपके पास यहां पर
ज्योमेट्री की। अब जो है हमने नेक्स्ट एक्सप्लेन करना है टेबल को, तो टेबल को एक्सप्लेन करना है तो टेबल बनाते हैं। तो टेबल में हमने ये जो वेस्पर थ्योरी है सिस्टम्स को एक्सप्लेन करती है, तो इसका हम एक टेबल बना लेते हैं। टेबल बनाने के लिए 7 to 8 कॉलम्स ऐसे ड्रॉ करने हैं, इस तरह से। ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉलम्स में हम डिस्कस करेंगे सिस्टम को। अब सिस्टम से मुराद क्या है, यहां पर हमने मॉलिक्यूलर सिस्टम को डिस्कस करना है। अब मॉलिक्यूलर सिस्टम है हमारे पास AB2 टाइप का मॉलिक्यूल होगा। AB2 से मुराद क्या होगा, जो A है A सेंट्रल एटम को रिप्रेजेंट करेगा, B जो है आप इलेक्ट्रॉन पेयर भी कह सकते हैं, आप अटैच्ड एटम भी कह सकते हैं, अटैच्ड एटम्स भी कह सकते हैं। दो बातें कर सकते हो, अटैच्ड एटम या इलेक्ट्रॉन पेयर, बी। ओके, सेकेंड कॉलम में मेंशन करें इलेक्ट्रॉन पेयर्स को, तीसरे में बॉन्ड पेयर्स, फोर्थ में लोन पेयर्स, फिफ्थ में इलेक्ट्रॉनिक जियोमेट्री, फिफ्थ में शेप, नेक्स्ट में मतलब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे बॉन्ड एंगल, और एंड पर एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। ओके जी, फर्स्ट ऑफ ऑल AB2 टाइप, बी कितने अटैच्ड हैं, दो। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने होंगे जी, दो होंगे। बॉन्ड पेयर्स दो हैं, इसमें लोन पेयर कोई नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक जियोमेट्री क्या बनेगी, BAB, इस तरह से। सेंटर एटम पर क्योंकि कोई लोन पेयर नहीं है, एलिमेंट्स एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर, तो ये जो बना रहे हैं ज्योमेट्री क्या है, लीनियर। शेप क्या है जी, लीनियर। बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होगा। एग्जांपल्स के लिए ना मैं आपको एक शॉर्टकट वे बताता हूं, बहुत सारे एग्जांपल्स आप खुद बना सकते हो। सेंटर एटम देखें, सेंट्रल एटम कौन है, ए। ए ने कितने बॉन्ड बनाने हैं, दो। ए को एटम ने सेंट्रल को दो बॉन्ड बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, बॉन्ड बनाने के लिए दो, क्योंकि दो बॉन्ड बनाने हैं। अब जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पीरियोडिक टेबल के ग्रुप नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। सेंट्रल एटम को दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वैलेंस शेल में दो इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, मतलब सेकेंड ग्रुप का। तो एग्जांपल्स में सेकेंड ग्रुप में से बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम वगैरह, और उसके साथ आप हाइड्रोजन या हैलोजन अटैच कर दें, एग्जांपल्स बन जाएंगी आपके पास। यहां मैं BeCl2 की एग्जांपल ले रहा हूं, बाकी जो मर्जी आप करते रहें। नेक्स्ट है हमारे पास AB3 टाइप का सिस्टम। AB3 टाइप के मॉलिक्यूल में तीन जो हैं, तीन इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, तीन के तीन बॉन्ड्स हैं, लोन पेयर अभी कोई नहीं सिस्टम में। ये देखें, A के साथ तीन B अटैच्ड हैं, और शेप क्या बनी इसकी, जो ज्योमेट्री बनी, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। शेप भी सेम होगी इसकी, ट्राइगोनल प्लेनर। बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का होगा।
एग्जाम्पल सेम वही है, ए सेंट्रल एटम तीन बॉन्ड बना रहा है, सेंटर के पास तीन इलेक्ट्रॉन हो, मीन थर्ड ग्रुप का हो, तो थर्ड में से कोई भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, बी एफ थ्री है, ए एल सी एल थ्री है, और भी इस तरह की एग्जाम्पल्स ले सकते हो। अब सेकेंड जो है, तीन इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं एबी थ्री सिस्टम की सेकेंड कंडीशन में, उसमें दो बॉन्ड्स हैं, एक लोन पेयर आ गया, ओके ए, ए के पास एक लोन पेयर है, इस तरह से, तो ज्योमेट्री तो सेम रहेगी ट्राइगोनल, लेकिन अब शेप, शेप क्या हो जाएगी, बेंट। बेंट कैसे होगी, मैंने कहा जो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री है लोन और बॉन्ड दोनों पेयर्स की वजह से है, लेकिन जो शेप है, शेप सिर्फ बॉन्ड पेयर्स है, तो लोन पेयर को आप जैसे इग्नोर करो तो देखो बेंट शेप बन रही है, तो इस तरह से आप फाइंड करोगे, ओके बॉन्ड एंगल जो होगा अब ये लेस देन 120 डिग्री होगा, क्योंकि अब क्यों लोन पेयर है, लोन पेयर की रिपल्शन बॉन्ड पेयर की वजह की से ज्यादा होती है, तो लोन पेयर की ज्यादा रिपल्शन की वजह से जो एंगल है वो मजीद कम हो जाएगा, 120 डिग्री से लेस देन एंगल होगा। और एग्जांपल में आपके पास है जी SnCl2SO2, और भी समतल हो सकती है। नेक्स्ट सिस्टम है AB4 टाइप। AB4 टाइप के सिस्टम में पहली एग्जांपल है, पहले जो सिस्टम है कि चार इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, चारों बॉन्ड पेयर्स हैं, कोई लोन पेयर नहीं है। एग्जांपल मैं CH4 की कोट कर देता हूं ताकि आसानी हो समझने में। अब ये क्या जो बनी ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल शेप क्या रहेगी, टेट्राहेड्रल, नो चेंज इन शेप, बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री, एग्जांपल CH4 है, CCl4 है, NH4 पॉजिटिव है वगैरह। दूसरी कंडीशन है कि चार इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, चार में से तीन जो हैं वो बॉन्ड पेयर्स हैं, एक लोन पेयर आ गया। एग्जांपल मैं अमोनिया की कोट कर रहा हूं, ये देखें। अब इसमें ज्योमेट्री तो रहेगी टेट्राहेड्रल, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, लेकिन शेप क्या होगी, शेप में क्योंकि हमने लोन पेयर तो काउंट नहीं करना होता, लोन पेयर अगर काउंट नहीं करेंगे तो क्या बनेगी, देखो ट्राइगोनल पायरामिडल। अब इसमें देखें लोन पेयर की रिपल्शन ज्यादा, उसकी वजह से एंगल हो जाता है 107.5 डिग्री। एग्जाम्पल NH3 की है, PH3 की है वगैरह। नेक्स्ट है चार इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, दो बॉन्ड पेयर्स हैं, दो लोन पेयर्स हैं। ऑक्स वाटर के केस है, वाटर की एग्जाम्पल मैं यहां मेंशन कर रहा हूं H2O के केस में। देखें अब इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री तो सेम है, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है, टेट्राहेड्रल, लोन पेयर अगर इग्नोर करूं तो क्या बचेगा, ये देखें आप ही बताएं क्या बनी, देखो क्या शेप है, बेंट है, तो शेप बेंट होगी क्योंकि हमने बॉन्ड पेयर्स को सिर्फ देखना है शेप के केस में। एंगल हो जाता है 104.5, क्यों, क्योंकि अब वाटर में दो लोन पेयर आ गए, रिपल्शन ज्यादा बढ़ गई, H2O है, H2S वगैरह। तो ये है हमारे पास
वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, जो कि ये सारी शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स को एक्सप्लेन कर रही है, उसमें AB2, AB3 और AB4 टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं, उसमें डिफरेंट कंडीशंस भी हैं कि लोन पेयर भी हो सकते हैं, बॉन्ड्स पेयर, वो सारी। तो ये इसमें हमने इस तरह से ये जो है शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स को मेनली एक्सप्लेन कर रहा है। ओके जी, नेक्स्ट इंशाल्लाह मुलाकात होगी जी, अल्लाह हाफिज़।